सो हेलो ऑसम पीपल, हियर से अभिलाष। तो बताइए क्या हाल चाल। वेलकम ऑल टू वेरी फ्रेश न्यू व्लॉग। एक नए व्लॉग पे आप लोगों का स्वागत है। सो आप लोग जो इतने कंसिस्टेंटली डेली व्लॉग देख रहे हो, आज है डेली व्लॉग नंबर 7। आप लोगों को डेली व्लॉग कैसा लग रहा है जरूर बताना। मैं हरदम ये कोशिश करता हूँ कि एक क्वालिटी कंटेंट विद डेली व्लॉगिंग मैं आप लोगों को दे पाऊँ। सो कैसा आप लोगों को लग रहा है ये व्लॉग्स वगैरह, आप लोग अगर नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। सो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है, अपना GoPro Hero 11 ब्लैक। एंड उसको अभी तक सेटअप मैंने नहीं किया है, 2 दिन हो चुका है खरीदते हुए एंड सेटअप वगैरह का करने का टाइम नहीं मिल रहा है गाइस, इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। सो आज मैं उसको फुल सेटअप करने वाला हूँ। पहले कभी भी मैंने GoPro सेटअप नहीं किया था, DJI Osmo Action मैंने सेटअप किया हुआ है। सो उसका सेटअप का मुझे आइडिया पता है कैसे करना है, लेकिन GoPro का नहीं पता। एंड जो भी मैं करूँगा वो ऑन कैमरा करूँगा और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। थोड़ा बहुत मैंने YouTube वीडियोज वगैरह देखा है इसके बारे में। सेटअप वगैरह करने के बाद जो फुटेजेस है, जो उसका वाइड, अल्ट्रा वाइड, हाइपर वाइड एंड सुपर व्यू, जो कौन कौन सा मोड है, मैं सब एक्सप्लोर करूँगा। सो आप लोगों को हर एक एंगल का मैं फुटेजेस जरूर चेक करवाऊंगा। एंड ऑब्वियसली मुझे ये बात पता है, आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि DJI Osmo Action और GoPro Hero 11 के कंपैरिजन का, ठीक है। तो मैं कंपैरिजन का वीडियो भी लाऊंगा। तो अभी एक काम करता हूँ, फुल सेटअप वगैरह करता हूँ। अभी मैंने अपने GoPro को चार्ज में बिठा, क्योंकि 0% चार्ज है एंड सेटअप करने के लिए चार्ज होना पड़ता है अपने GoPro में, तो इसीलिए अभी चार्ज में बिठाया हुआ है। फाइनली गाइज, सेटअप करने के लिए जो जो चाहिए मैंने सब कलेक्ट कर लिया एक साथ। यहाँ पर द मेन चीज जिसको सेटअप करना है, देख ही सकते हो जिस तरीके से खरीदा था वैसा ही रह गया है, अभी तक मैंने खोला भी नहीं है, इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल। एंड इतने बड़े डिब्बे पे अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है पता है, ये देखो इसमें है मेमोरी कार्ड एंड ये क्या पैकिंग वगैरह दे के रखा हुआ है। एंड इस मेमोरी कार्ड को GoPro 11 ब्लैक पे इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके सेटअप कंप्लीट हो पाएगा। एंड यहाँ पर है मेरा DJI एक्शन कैमरा एंड इज द कैमरा विद विच आई डिड माई असम राइड। जितना भी वीडियोज आप लोगों ने देखा है पहले का, 10-20 वीडियो छोड़ के बाकी जितना भी आपने 60-70 वीडियोज देखा है, वो सब मेरे इस एक्शन कैमरा से शूट हुआ है। एंड रियली गाइज, DJI एक्शन कैमरा इज लिटरली इज वर्थ इट इन इट्स प्राइस सेगमेंट। अभी आप परचेज कर सकते हो। इसके बारे में और भी व्लॉग्स आएगा, कंपैरिजन में व्लॉग्स आएगा, तब जाके मैं DJI का कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों को जरूर से नोट डाउन करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके GoPro Hero 11 का जो बॉक्स है वो निकाल लेते हैं। GoPro का जो ये बॉक्स है ये बहुत ही काम का चीज है, DJI के साथ ये वाला नहीं मिला था। सबसे पहले दिया है यार, कैमरा मस्ट बी अपडेटेड बिफोर यू कैन यूज इट, तो इसका मतलब इसको पहले अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल के दिया है, आप लोग पॉज करके देख सकते हो, इंस्टॉल द GoPro क्विक ऐप ऑन योर फोन, मेक श्योर यू हैव इंटरनेट एक्सेस, देन टर्न ऑन योर GoPro प्रेसिंग, फॉलो द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस। सो पहले इस क्विक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड उसके बाद हम लोग फुल सेटअप कर सकते हैं GoPro Hero 11 ब्लैक। ये वाला जो चीज़ है ये कनेक्ट होने वाला है इसके साथ एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू। एंड उसके बाद बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है एक टाइप सी केबल अपने GoPro को चार्ज करने के लिए। लेट्स सेट अप दिस। तो अभी ऑन करके देखते हैं कि क्या बोलता है। सो यहाँ पर कैमरा डायरेक्ट खुल चुका है एंड अभी आया GoPro। सो सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज सेट करने के लिए बोल रहा है, सो इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। एंड अभी यहाँ पर कुछ टर्म्स आया है, बाय यूजिंग दिस GoPro आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज अवेलेबल एट GoPro.com और लीगल। तो अभी यहाँ पर एग्री करना है हम लोगों को, एग्री कर लिया। सो टर्न ऑन टू टैग योर फुटेज, तो यहाँ पर जो लोकेशन है इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर टर्न कर लिया एंड अभी यहाँ पर दिखा रहा है बैटरी 20% है और 10% व्हेन कनेक्टेड टू पावर। वो वाला जो SD कार्ड है ये वाला इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जाके सेटअप कंप्लीट हो पाएगा। इसको रखते हैं बाजू पे। जो मेमोरी कार्ड मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने GoPro पे वो है सैमसंग ईवो प्लस 128 GB का। सो ये पहले इंसर्ट करते हैं, उसके बाद जाके अगर देखता हूँ हैंग वगैरह कर रहा है ज़्यादा तो तब जाके मैं नया मेमोरी कार्ड परचेस करूँगा। सो देखता हूँ ईवो प्लस कैसा परफॉर्म करता है विद GoPro। DJI के साथ तो चुम्मा परफॉर्म करता है। नाउ लेट्स चेक विद द GoPro। सो अभी हम लोग पहले चेकआउट कर लेते हैं बॉक्स में क्या क्या फीचर्स मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है 27 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके बाद 5.3 के 60 FPS तक हम लोग शूट कर सकते हैं एंड 4K को हम लोग 120 FPS तक शूट कर सकते हैं एंड 2.7K पे हम लोग 240 FPS तक शूट कर सकते हैं। इसका मतलब क्वालिटी गाइस, क्वालिटी। एंड यहाँ पर वाटरप्रूफ दिया गया है, दैट इज हम लोग अगर इस GoPro को विदाउट एनी केस हम लोग 33 फीट तक नीचे वाटर, पानी के नीचे ले जा सकते हैं, दैट इज 10 मीटर्स। उसके बाद वॉइस कंट्रोल दिया हुआ है, स्लो मोशन हम लोग 8x में स्लो मो ले सकते हैं, उसके बाद डाटा ओवरलेज है, उसके बाद टाइम रैप है, 1080p लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अभी से हम लोग GoPro से डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं विथ 1080p रिजोल्यूशन।
यहाँ पर सुपर फोटो प्लस HDR प्लस रॉ फोटोज दे, इसका मतलब सिर्फ वीडियोस पे नहीं अभी से फोटोज में भी फोकस कर रहा है GoPro। उसके बाद GP2 प्रोसेसर दिया हुआ है एंड वेबकैम मोड भी दिया हुआ है, कोई भी अगर अपने GoPro को वेबकैम की तरह यूज करना चाहता है तब भी यूज कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कोई वेबकैम मोड में यूज करेगा। एंड यहाँ पर स्टेबिलाइजेशन में भी इंप्रूवमेंट दिया गया है, दैट इज हाइपर स्मूथ स्टेबिलाइजेशन 5.0। सो गाइज, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपने फोन पे जो है अपना जो GoPro क्विक ऐप है वो इंस्टॉल कर लिया है। सो पहले चलते हैं उस वाले ऐप पे एंड दैट्स द GoPro क्विक ऐप, एंड वहाँ पर जाने के बाद सेटअप वगैरह करते हैं। यहाँ पर पहले बोल के दिया है साइन इन करना पड़ेगा ना, तो क्रिएट अकाउंट करते हैं। मेरे तो GoPro में अकाउंट नहीं है, सो कंटिन्यूइंग विद माय जीमेल। सो यहाँ पर अपना जीमेल के साथ मैंने लॉगिन कर लिया है एंड अभी यहाँ पर आ रहा है डू यू ओन अ GoPro, यस ऑब्वियसली भाई साहब, तो मैं नहीं तो मैं क्यों करूँगा। सो सेटअप योर GoPro नाउ, यस, उसके बाद यस लिया एंड अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्ट अ कैमरा, तो कनेक्ट कर लेता हूँ। अलाउ सर्चिंग फॉर कैमरा, आई थिंक फटाफट से मिल जाना तो चाहिए। यहाँ पर फटाफट से आ चुका है हीरो 11 ब्लैक, वी फाउंड योर GoPro एंड नाउ कनेक्ट। तो यहाँ पर ब्लूटूथ पेयरिंग का रिक्वेस्ट आ रहा है, सो इसको करना पड़ेगा पेयर। तो कनेक्ट हो चुका है एंड नेम माई GoPro, सो इसको एक नेम दे देता हूँ, है ना। लेट्स इंस्टॉल योर अपडेट, अभी अपडेट होने वाला है ना, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड GoPro 11 ब्लैक यूजिबिलिटी इंप्रूवमेंट्स क्या क्या आने वाला है। फिक्सेस बग वेयर एक्सपोजर सिलेक्ट एंड एक्सपोजर लॉक डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, वो वाला बग अभी यहाँ पर सॉल्व होगा। उसके बाद सॉल्व होने वाला है आपका फिक्सेस मल्टीपल बग्स व्हेन कैमरा इज यूज विद वोल्टा विदाउट बैटरी इंसर्टेड। उसके बाद अदर जनरल बग्स फिक्सेस एंड यूजर इंटरफेस इंप्रूवमेंट्स, सो लेट्स अपडेट इट। वाईफाई से ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरा GoPro एंड मेरा डिवाइस भी, सो अभी कनेक्ट कर लेते हैं वाईफाई। तो यहाँ पर जो टर्म्स लीगल डिस्क्लेमर है उसको हम लोग को एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग अपडेट टू योर कैमरा, अभी यहाँ पर देखो डाउनलोडिंग अपडेट आ चुका है एंड यहाँ पर आ चुका है ट्रांसफरिंग अपडेट टू योर कैमरा। सो गाइस, यहाँ पर मेरा अपडेट हो चुका है एंड रिकनेक्टिंग दिखा रहा था एंड अभी ऑल सेट, योर कैमरा सॉफ्टवेयर वाज अपडेटेड सक्सेसफुली, यू नाउ हैव द एक्सेस टू लेटेस्ट फीचर्स, तो इसको करना है अभी ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, इजी कंट्रोल्स एंड अभी से मेरा GoPro कम्प्लीटली फंक्शनेबल हो चुका है। सो गाइज, नाउ इज द टाइम टू चेक आउट GoPro ऑन करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को कैसा कैसा कंट्रोल्स मिलता है, लेट्स चेक इट आउट। सो लेट्स ऑन इट फर्स्ट, तो ऑन यहाँ पर हो चुका है एंड ऑन होते ही यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऊपर बैटरी का सिंबल। अगर हम लोग लेफ्ट स्वाइप करते हैं देन हम लोग को दिख पाएगा टाइम रैप, फिर से राइट स्वाइप करते हैं तो हम लोग वीडियो मोड पे चेंज हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग चेंज कर सकते हैं फोटो मोड पे, सो यहाँ पर फोटो देख सकते हो, यहाँ पर नीचे फोटो के नीचे सुपर फोटो ऑप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आई थिंक सो नाइट विजन के लिए है ये वाला ऑप्शन, तो हम लोग सब एक्सप्लोर करेंगे जब प्रैक्टिकलिटी का टाइम आएगा तब जाके अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। अभी ऊपर से अगर हम लोग स्वाइप करते हैं देन यहाँ पर हम लोगों का मिल गया वॉइस कंट्रोल, उसके बाद म्यूजिक, ये वाला जो है ये क्विक कैप्चर का है। अगर हम लोग इसको ऑफ करते हैं देन हम लोगों को पहले GoPro ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके रिकॉर्डिंग शुरू होगा। एंड अगर इसको ऑन रखते हैं देन इसका मतलब क्या है, हम लोग रिकॉर्ड बटन ऑन करने से डायरेक्टली रिकॉर्डिंग करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ से अपने GoPro को लॉक कर सकते हैं एंड ये वाला जो ऑप्शन क्रॉस देख रहे हो आप, ये वाला है फ्रंट स्क्रीन के लिए। सो इट्स अ फ्रंट स्क्रीन, इज वेरी वेरी मच यूजफुल। जब मैंने अपना DJI मतलब परचेज किया था तो उसमें भी मुझे फ्रंट स्क्रीन मिला था एंड 11 में भी मुझे फ्रंट स्क्रीन मिल चुका है। सो ये बहुत ही काम का चीज़ है अगर हम लोग व्लॉगिंग वगैरह करते हैं जब। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन लॉक आ चुका है, तो ओरिएंटेशन को हम लोग लॉक कर सकते हैं इजीली। ये प्रैक्टिकलिटी में आप लोगों को दिखाऊंगा ऑप्शन काम में कब आता है। एंड अभी मैं आप लोगों को जो फुटेजेस दिखाने वाला हूँ लीनियर में एक बार दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को लीनियर में एक बार दिखाऊंगा, उसके बाद वाइड पे आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा एंड सुपर व्यू वाला भी फुटेज दिखाऊंगा एंड हाइपर व्यू वाला भी फुटेज जरूर दिखाऊंगा। हाइपर व्यू में देख ही सकते हो कितना वाइड है भाई साहब। सो नाउ फुटेजेस चेकआउट करो फ्रॉम दिस GoPro। देखिए मैं GoPro फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, सो कैमरा एंगल अच्छी तरीके से बैठा है या नहीं है मैं बाद में चेकआउट करूँगा। अब जस्ट फुटेज का क्वालिटी चेकआउट करो, कितना वाइड है कितना नहीं एंड व्हाट्स द क्वालिटी इन ऑल। तो ये लीनियर मोड पे हो रहा है एंड थोड़ी देर बाद मैं सुपर वाइड में चेंज करूँगा, तो जब चेंज करूँगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। एंड नाउ जस्ट चेकआउट के कौन से मोड पर अभी हो रहा है, लेट्स गो।
पहले आप लोगों ने देखा लीनियर मोड वाला, सेकंड आप लोगों ने देखा नॉर्मल वाइट, एंड ये जो अभी देख रहे हो ये है सुपर व्यू। तो सुपर व्यू में देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर वाइड रेंज बहुत ज़्यादा है। एंड मोर ओवर मैंने ये मोटो व्लॉग को शूट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का सिलचर पे अभी एट प्रेजेंट बारिश दे रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया ड्यूरिंग द मोटो व्लॉग आप लोगों को सुपर व्यू शो करूँ। सो आप लोग सुपर व्यू चेकआउट कर ही सकते हो कितना ज़्यादा वाइड रेंज है। एंड अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हाइपर व्यू वाला। एंड ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हो ये है हाइपर व्यू। एंड यहाँ पर देखिए मेरा हाथ और भी ज़्यादा मतलब लंबा वगैरह लग रहा है वीडियो पे देखने में, लेकिन ये हाइपर व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड वेदर का कंडीशन देख ही सकते हो, फुल डार्क होके रखा है एंड ऊपर से बारिश भी बहुत तेज़ दे रहा है। बाहर निकलना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है एट प्रेजेंट। सो कैसा लगा आप लोग ये वाला फुटेज, इन ये जो अभी फुटेजेस आप लोगों ने चेक किया ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना।